Hey guys, आज मैं आपको 3x3 क्यूब के कुछ फिंगर टिप्स बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। तो बेसिक में आप जो साइड वाले लेयर है एल और आर, इसको पूरा हाथ से घुमाते हैं और यू के लिए ये फिंगर यूज करते हैं और यू डैश के लिए ये लेफ्ट हैंड का फिंगर यूज करते हैं। तो बेसिकली ऐसे आप एल्गोरिथम यूज करते हैं ये OLL के लिए। और अभी ये लेफ्ट हैंड से है, तो ये बेसिक फिंगर ट्री हो गया आपके। बेसिक में सिर्फ आप आर लेयर, एल लेयर और यू लेयर को घुमाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। तो अभी चलते हैं इंटरमीडिएट फिंगर टिप के तरफ। तो इंटरमीडिएट में आप एफ मूव का यूज़ करते हैं। तो जब भी टी पम हो या फिर जे पम हो, जैसे कि ये जे पम है, तो आपने इस फिंगर का यूज़ करते हैं एफ डैश मूव के लिए ऐसे। एक बार फिर से देखें, फिर एफ के लिए ए फिंगर का, तो टी पम देख लेते। फिर एफ के लिए ये फिंगर का यूज किया राइट हैंड के, और फिर एफ डैश के लिए मैंने थम का यूज किया क्योंकि थम उसके पोजीशन पे था। आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरा थम अगर इस पोजीशन पे हो तो मैं ये थम यूज करता हूँ, नहीं हो तो ये फिंगर यूज करता हूँ। जैसे कि वाइपम है हमारे पास, वाइपम में एफ के लिए मैं ये फिंगर यूज करता हूँ। जो भी फिजिबल होता है, जो भी इजी होता है, तब फिंगर के पास था, अभी ये फिंगर उसके पोजीशन में था एफ के, तो मैंने एफ यूज किया। अभी ये फिंगर ऊपर था तो मैंने इससे ही एफ डैश किया। एंड देन ये फिंगर से इजी लगा, इसलिए मैं ये फिंगर से एफ डैश मूव किया। तो जिस आप एफ डैश को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। तो एफ मूव तो हो गया हमारा। या तो फिर जो बिगनर्स होते हैं, या आपको सिर्फ यू करके करते हैं, अगर आप बिगनर नहीं है इंटरमीडिएट, तो आप ये थंब का, ये फिंगर का और ये फिंगर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एफ के लिए, एफ डैश के लिए, ये भी एफ डैश के लिए। अभी डी मूव है, इसके बाद बिगनर यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है डी मूव। तो डी मूव का यूज़ होता है, जैसे कि ये OLL है हमारी, इसके लिए। तो इसमें हम डी के लिए ये फिंगर का यूज़ करते हैं और डी डैश के लिए ये फिंगर का यूज करते हैं, रिंग फिंगर का। तो इसको ऐसे करना है, नीचे है तो ये फिंगर से पुश करना है, और डी के लिए इस तरफ सिर्फ सेम लेफ्ट हैंड से इस फिंगर से पुश करना है। तो ये हमारा डी मूव। डी मूव बहुत सारे OLL में भी यूज होता है, PLL में भी बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि हमारी जीपम है। तो अभी बढ़ते हैं एडवांस फिंगर टिप की तरफ। एडवांस में जो यू लेयर है, उसको हम लेफ्ट हैंड से जो यू ऐसे मूव करते थे, यू के लिए ये राइट हैंड का फिंगर और यू डैश के लिए लेफ्ट हैंड का फिंगर यूज करते थे। तो एडवांस में हम यू के लिए भी लेफ्ट हैंड का ही फिंगर यूज करेंगे, क्योंकि इससे बहुत हेल्प होगी बाद में हमें, अगर ये सही पोजीशन में, अगर ये राइट हैंड हमारा यू मूव करने की पोजीशन में नहीं हुआ तो। इसकी मैं आपको टिप हम दिखा देता हूँ।
जैसे हमारी टी फॉर्म थी, तो इसमें मैं ये फिंगर का यूज करता हूँ। तो अभी मैंने ऐसे उठाया तो मैं यू करता था, राइट हैंड से करता था यू, लेकिन अगर मेरा हाथ पहले ही इस पोजीशन पर हो तो मैं ऐसे इसको ऊपर करके इस हाथ से यू करूँगा। तो दो बार मैंने किया, बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस फिंगर को यू और यू डैश के लिए कंपेटेबल करने के लिए। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा पेन होता है, बाद में आदत हो जाएगी। तो यू यू डैश के बाद यू यू टू, यू टू के लिए यू टू से बहुत स्पीड फास्ट हो जाती है हमारी। जैसे कि एक एल्गोरिथम दिखा देता हूँ मैं आपको, जो कि शायद से इसको आरफम बोलते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ। तो ये कुछ ऐसी दिखती है। तो इसके लिए दो बार यू टू करना है। तो मैं ऐसा करने की जगह ऐसा कर दूंगा, जिससे मेरा स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगा ये वो एल एल पी एल एल परफॉर्म करते टाइम। तो एक बार देख लीजिए, मैं बिना यू टू के करता हूँ पहले, अभी यू टू के। ये मैं ऐसे परफॉर्म कर दूँ, एक बार फिर से देख लिया, यू टू, पहले ये फिंगर फिर ये फिंगर, ये फिंगर फिर ये फिंगर, ये फिंगर फिर ये फिंगर। और ये लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, जैसे कि देन यह हाथ अगर इसकी पोजीशन में हो तो इस हाथ से भी यू टू कर सकते हैं। यूट्यूब काफ़ी यूज़फुल है। इसके बाद आता है डी मूव। तो डी हम डी के लिए ये फिंगर यूज़ करते थे लेफ्ट हैंड का, और डी डैश के लिए राइट हैंड का ये फिंगर यूज़ करते थे। तो अब क्या हमें करना है, डी डैश के लिए भी सेम फिंगर यूज़ करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड। तो जो ई पम है उसको परफॉर्म करते टाइम ये यूज़फुल है। तो एक बार ई पम देख ले। पहले मैंने यू के लिए, यू डैश के लिए ये फिंगर का यूज़ किया, फिर डी के लिए सेम रिंग फिंगर का यूज़ किया, देन ए फिंगर का यूज़ किया यू के लिए, एंड फिर से इसी फिंगर का यूज़ किया। तो मैं डी और डी डैश के लिए इसी फिंगर का यूज़ करूँगा, जिससे कि वो पी एल एफ परफॉर्म करने का स्पीड बढ़ जाएगा। मैं सिर्फ ए फिंगर का यूज़ करूँगा यू के लिए, बाकी सब के लिए ए फिंगर और ए फिंगर का यूज़ करूँगा। एक बार फिर से देख लिए, वी टी डैश ऐसे परफॉर्म किया, मैंने पीछे पुश किया, फास्ट देख लिया। अभी सबसे आखिर में मेरा फेवरेट मूव एम एम डैश और एम टू। ये बेसिकली यू यू पम, जी पम या फिर जेड पम बोलते हैं, और एच पम के लिए यूज़ होता है। एम डैश ऐसे करते हैं, और एम के लिए इसको, एम सबसे मुश्किल है, एम के लिए इसको इधर से पीछे पुश करना पड़ता है, और एम टू, एम टू देख लो। एम और एम डैश और एम टू काफ़ी यूजफुल है एच और जी पम के लिए। तो ये एम टू है, इसे पुश किया, फिर ये फिंगर यूज़ किया पुश करने के लिए। बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसके लिए। तो ये हमारा एम टू, और ये हमारा एम, एम के लिए मिडल फिंगर का यूज़ किया है। तो एच पम ऐसे परफॉर्म करेंगे, स्लो में दिखाता हूँ। इसके बाद है जीपम। जीपम के लिए भी यू और एम, एम और एम टू का यूज़ होता है।
तो ये जीप हमें, ये दोनों एक्सचेंज होते हैं, ये दोनों एक्सचेंज होते हैं, तो इसके लिए हम ऐसे परफॉर्म करते हैं एल्गोरिदम। और यू पम्प लास्ट में आते हैं हमारे, यू पम्प, यू पम्प के लिए आप ए एल्गोरिथम यूज़ कर देते हैं। मैं भी ये यूज़ करता था, लेकिन जब मुझे पता चला, मैंने जब यम और एम डैश मूव सीख लिया, तो मुझे पता चला कि यम वाली जो एल्गोरिथम है काफ़ी फास्ट है, तो उसको ऐसे परफॉर्म करना है। एम के लिए बताया मैंने पहले ही, और एम डैश के लिए इसको ही पीछे पुश करना होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। नीचे से इसको ऊपर पुश करना होता है, देखिए ऐसे पुश करना होता है। तो ये एल्गोरिथम मैं ऐसे परफॉर्म करता हूँ, फिर पुश करना फास्ट में दिखाता हूँ। पहले मैं आपको आरयू से करके दिखाता हूँ कि मैं कितना फास्ट कर सकता हूँ। एक बार फिर से देखो, और फिर मेरी वाली एम मूव से, तो आप एम डैश के लिए और एम के लिए आप ए फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं कभी कभी, ऊपर से पुश करने के लिए जब भी आपको ज़रूरत हो। तो नेक्स्ट है हमारा डी टू मूव। डी टू मूव ए और ए बी बम में यूज़ होता है, तो मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन इसमें रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर का यूज़ होता है। तो डी को दो बार पुश करना है, एक बार रिंग फिंगर से और एक बार पिंकी फिंगर से। तो ये ए बी पम है, तो मैं पहले रिंग फिंगर यूज़ करता हूँ, बाद में पिंकी फिंगर, आप उल्टा भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर से पुश करना है, बस दो बार पुश करना है, बस इतना सा ही है। तो इससे आपका सीड बहुत बढ़ जाएगा, सिर्फ ए और ए बी पम में ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी किसी एल्गोरिथम में तो मैंने देखा नहीं। तो नेक्स्ट है हमारा यस मूव फिंगर ट्रिक। तो यस मूव में हम एस जो लेयर है एम मूव के परपेंडिकुलर, उसको पुश करते हैं। उसके लिए हमें बैक लेयर और फ्रंट लेयर को होल्ड करना पड़ता है, उस पर ग्रिप बनानी पड़ती है, नहीं तो वो भी उसके साथ मूव हो जाएंगे। बस इसको ऐसा पुश करना है। तो इसमें कुछ ऑयल है जिसमें ये यूज़ होता है, इसके अल्टरनेटिव अल्गोज भी है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप अल्टरनेटिव अल्गोज यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये नहीं यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं एल्गोरिथम परफॉर्म करके दिखाता हूँ। यस मू तीन सिंपल वाले एल्गोरिथम है जो पहले ऑयल में यूज़ की थी।